कोरोना काल में खाली समय बदलल बा, जज्बा ना, हमार तैयारी आ जुनून अभियो उहे बा। ई कहे के बा उह विद्यार्थी के जौन विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में बैठे वाला बा, तो साफ बा कि तैयारी आ जुनून दोनों में कभी कमी ना होखे के चाही। आज ई वीडियो के अंत तक देख लो लोग, जौना में हमार दावा बा कि 20 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज तोहनी लोग के घोर के पिया दे, आ यह 20 ऑब्जेक्टिव से तोहनी लोग 120 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार कर लेब। तो आव चल लोग प्रारंभ कर जाए। तो ई मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय के दुसारका मॉडल सेट के भाग बा, जौना में 16 नंबर प्रश्न से प्रारंभ कर जाए। 16वां नंबर प्रश्न बा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। अब ऐसे प्रश्न में क्या होता है, तो सीधा हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि यह 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा शून्यकों का योगफल, अर्थात माइनस बी बटा ए। यहाँ बी है एक, ए है एक, तो माइनस एक। अब अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल, माइनस 2/1, तो हो जाएगा माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2। तो यहाँ पे दिया हुआ विकल्प क्या होगा, 1/2। तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा, 1/2। अब 17 नंबर प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन प्लस बी है तो इसका पदांतर है। आइए इसको विस्तार से यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ एन बराबर एक, जब एन बराबर एक ले लेते हैं तो क्या होगा, ए एन तो ए गुणा एक अजोड़ बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी। ये होगा कौन सा पद, पहला पद, क्योंकि हमने एन बराबर एक लिया है। अब जब दूसरे पद में एन बराबर दो ले लेते हैं तो क्या होगा, ए गुणा दो प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। ये क्या होगा, ये a2 होगा। और हम जानते हैं कि d पदांतर क्या होता है, a2 माइनस a1, तो यहाँ हो जाएगा a2। a2 क्या है, यहाँ a2 क्या है, 2a प्लस बी, और a1 क्या है, a प्लस बी, इतना है। ठीक है, ये माइनस है ए प्लस बी, तो एक इसमें से ए और एक बी कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ब्रैकेट टूटेगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, डी बराबर बचेगा ए, तो यहाँ विकल्प होगा बी ए, स्पष्ट है। 18 नंबर प्रश्न, यहाँ 18 नंबर है, पी 6-5 का भुज, तो हम जानते हैं भुज क्या होता है, पहले निर्देशांक ज्यामिति में भुज, तो यहाँ होता है, पहले होता है एक्स कॉमा वाई, और इसी को कहते हैं यहाँ पर भुज, और कॉमा होता है कोटि, यहाँ भुज कॉमा कोटि। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 6-5, तो ये है भुज और ये है कोटि, स्पष्ट है। तो भुज कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर ए 6 है। 19 नंबर, बिंदु 2-3 स्थित है, अब देखिए स्थित है कह रहा है, किस में स्थित है, तो यहाँ होता है ये इसमें प्लस प्लस, इसमें हो जाएगा माइनस प्लस, इसमें क्या हो जाएगा माइनस माइनस, और इसमें हो जाएगा प्लस माइनस। तो कह रहा है यहाँ देखिए 2 प्लस है और 3 भी प्लस है, स्पष्ट है, तो प्लस प्लस, ये क्या होगा प्लस प्लस, तो क्या होगा प्रथम पाद में, इसको प्रथम बोलते हैं, दूसरा तीसरा चौथा, तो ये है प्रथम पाद में, उत्तर होगा ए। 20 नंबर प्रश्न, x बराबर ए y बराबर बी, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो
तो ए और बी का मान क्रमशः है, यहाँ चलिए देखा जाए, एक्स बराबर ए है, वाई बराबर बी है और दो समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, वाई वाई, देखिए यहाँ जोड़ के हम दिखा देते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर दो, एक्स प्लस वाई बराबर चार, जोड़ देते हैं ये कट जाएगा, टू एक्स बराबर क्या होगा छः, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा छः बटा दो तीन, स्पष्ट है। अब किसी भी एक समीकरण में एक्स बराबर तीन पुट कर देते हैं, यहाँ मान लिया जाए कि तीन हम पुट करेंगे तो इधर चला जाएगा, तो वाई बराबर क्या होगा एक, आप देख लीजिएगा वाई बराबर हो जाएगा यहाँ एक, तो एक्स बराबर तीन वाई बराबर एक, तो यहाँ ए और बी का मान, तो ए एक्स बराबर है और ये है वाई, बी बराबर यहाँ कह रहा है, तो क्या हो जाएगा तीन कौमा एक, यहाँ आंसर होगा सी तीन कौमा एक। 21 नंबर प्रश्न, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस चार बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति है, चेक करते हैं, विवेचक बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी पे निर्भर करेगा बराबर है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है। तो यहाँ देखते हैं कि b दो होगा तो दो दूने चार, माइनस फोर ए सी तो चार गुना सी है एक, ए है एक और सी है चार, तो यहाँ हो जाएगा चार माइनस चार गुना एक गुना चार, तो हो जाएगा क्या चार माइनस सोलह, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बारह, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर, ये हो जाएगा लेस देन जीरो, तो यहाँ लिखेंगे कोई मूल नहीं होगा, यहाँ उत्तर होगा सी कोई मूल नहीं होगा अवास्तविक। 22 बिंदुओं इतना और इतना चार कौमा माइनस एक दो कौमा तीन के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी के सूत्र से हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, दो माइनस चार का स्क्वायर प्लस तीन माइनस माइनस प्लस एक का स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट, स्पष्ट है, ये हो जाएगा माइनस दो का स्क्वायर तो चार और प्लस तीन एक चार चौचौ का सोलह, क्या हो जाएगा सोलह चार बीस, तो बीस को हम लिख सकते हैं क्या चार गुणा पाँच पंचौ का बीस, चार का वर्गमूल निकलेगा दो, पाँच का नहीं निकलेगा अंडर रूट पाँच, तो ये हो जाएगा दिया है विकल्प डी दो रूट पाँच इकाई, ये होगा आंसर इसका। अब 23 नंबर प्रश्न, बिंदुओं 4,10 और 2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0,2 से की दूरी है, आइए इसको देखा जाए, यहाँ 4,10 ये है बिंदु और एक बिंदु है 2,2, तो ये है ए ये है बी, इसका मध्य बिंदु मान लिया जाए है सी, तो सी का निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले तो इसको ज्ञात कर लेते हैं, होता है x1 + x2 बटा दो, तो यहाँ हो जाएगा सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक क्या होगा 4 × 2 / 2, 10 × 2 / 2, यहाँ हो जाएगा होगा, अब ये जब कटेगा तो 4 × 2 = 6 / 3 तीन, और ये होगा 10 × 2 = 12 / 3 ये होगा 6, तो ये हो जाएगा 3,6। अब कह रहा है यहाँ प्रश्न में कि 0,2 यहाँ मान लिया जाए कि ये है एक बिंदु और D जिसका निर्देशांक है 0,2, तो इसके बीच की दूरी निकालना है, तो देखिए यहाँ बीच की दूरी क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ देख लिया जाए 3 - 0 + 6 - 2, दूरी का सूत्र यही है, तो यहाँ हो जाएगा 3² = 9 और यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या चौचौ का 16, तो हो जाएगा यहाँ पर 25 और 25 का क्या होगा 5,
तो यहाँ माइनस तो होगा नहीं क्योंकि प्लस माइनस होगा, यहाँ प्लस लेंगे तो आंसर हो जाएगा सी 5 इकाई। स्पष्ट है, समझ में आ गया होगा। 24 नंबर प्रश्न, यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये दिया हुआ है, इतना देख लीजिए 2.4, 0.6, 4.-1, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक होंगे। यहाँ पर त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक नहीं पता है आपको, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होता है x1+x2+x3/3, y1+y2+y3/3। तो बस इस सूत्र को ही अप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा, 2+0+4, 2+0+4/3, अब इसको जोड़ देंगे 4, 6-1, 4+6+-1/3। क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, 4, 2, 6, 6/3 है तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6 में से एक घट जाएगा 5, 5, 4, 9, 3, 3 तो ऑप्शन मिला लेंगे, विकल्प कौन सा है, 2.3, तो ये होगा बी उत्तर इसका। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि बिंदु 1.2, 0.0, 1.2 संरेखी हो तो ए और बी में रिलेशन कौन सा होगा, ये चार विकल्प दिया हुआ है। तो देखिए संरेखी होगा कब, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब शून्य हो जाएगा तो आप एक सूत्र जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का, कि x1 × y2-y3+x2y3-y1+x3y1-y2 ये होता है। तो इस पर हम बैठा देते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा x1, तो देखिए यहाँ x1 है 1 और ये हो जाएगा 0-b। दूसरा स्टेप यहाँ 0 होगा, ये 0 और हो जाएगा b-2। तीसरा स्टेप यहाँ a होगा और हो जाएगा यहाँ 2-0=0, ये देख लीजिए बराबर 0, ये टोटल 0 के बराबर होगा। तो ये 1/2 हट जाएगा, इसको हल कर लेते हैं, 0-b, ये तो 0 हो जाएगा, +0 + 2a, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो b = 2a यहाँ हो गया। तो यहाँ देखा जाए बी बराबर कौन सा है, 2a, तो उत्तर होगा इसका सी। अगला प्रश्न है, दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है, तो यह थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है, तो उत्तर होगा सी। अब यहाँ देखा जाए, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होता है, ये समझिए यहाँ, ये किस, यह प्रमेय जो है किस त्रिभुज में लागू होता है, तो समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा जो कर्ण होती है, यह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर इस तीसरी भुजा का वर्ग बराबर होता है। तो ये कर्ण का सम्मुख भुजा कौन सा होगा, 90 डिग्री, तभी तो समकोण त्रिभुज होगा, तो ये होगा आंसर सी 90 डिग्री। अब 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, BC = 3 दिया है, EF = 4 दिया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें देखिए एक प्रमेय है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो यही इसमें अप्लाई होगा। देखिए यहाँ त्रिभुज ABC ये है, मान लिया जाए कि ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये का क्षेत्रफल, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा दिया है भुजा, BC और EF, तो यहाँ हो जाएगा ये BC, तो ये होगा EF, तो BC² / EF² यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 54, और ये निकालना है तो इसको हम x लिख देते हैं बराबर,
ये बी सी जो दिया है 3 दिया है तो 9 हो जाएगा, ई एफ 4 दिया है 16 हो जाएगा, तो 9 छक्के क्या होगा 54, 6 हो जाएगा एक्स बराबर 16 में 6 से गुना हो जाएगा 16 छक्के 96, तो ये हो जाएगा 96। इसमें देखेंगे कौन सा है तो बी है, बी विकल्प इसका सही होगा। 29 नंबर प्रश्न, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसको समझा जाए। ये मान लिया जाए कि ये वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त हो गया, अंदर कोई बिंदु है, तो अंदर बिंदु है तो इससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, कहीं भी होगा तो ये प्रतिच्छेद कर देगा, कहीं खींचेंगे तो। यहाँ पर बाहर अगर हो तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहाँ लिखेंगे कि 0, एक भी नहीं खींचा जा सकता है, उत्तर होगा डी। अब तीसरा नंबर प्रश्न, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, इसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ ये है ए बी सी और ये है त्रिभुज डी ई एफ, ये 2 त्रिभुज है। कंडीशन दे दिया है कि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, ये कंडीशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी ये डी ई इसके संगत, ठीक है, और बी यहाँ बी सी ये जो है इसके संगत है, तो यहाँ कौन सा कोण पड़ रहा है बीच में, क्योंकि एस ए एस, एस ए एस समरूपता नियम होगा तो बी ई के बराबर होगा, तो यहाँ देख लेंगे ये कोण इसके बराबर होगा, तो बी ई कहाँ है, ये है डी, कोण बी बराबर कोण ई होगा, कब, जब त्रिभुज समरूप है। आज के इस मॉडल सेट में यही 15 प्रश्न हैं, इन्हें आप ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट करें और ये भी बताएं कि इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। धन्यवाद।